पूर्णिया में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में आगामी 7 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन को लेकर बातें की गई। मौके पर राजद के जिला अध्यक्ष मिथिलेश दास ने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एवं बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पर 7 अगस्त को पूरे बिहार में जातीय जनगणना आरक्षण में बैकलॉग व्यवस्था लागू करना, मंडल आयोग की सभी अनुशंसाओं को लागू करने जैसे मांगों को लेकर राजद के सभी विंग इस प्रदर्शन में हिस्सा ले। इसी आह्वान के मद्देनजर पूर्णिया में भी राजद कार्यकर्ता रंगभूमि मैदान से आरएनसा चौक तक प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। जैसे कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी, बिहार राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदाऊ के निर्देश के अनुसार पूरे बिहार में 3 मांगों को लेकर जो मुख्य मांगे हैं वो है, जातीय जनगणना कराया जाए, मंडल कमीशन का अनुशंसा को सभी को लागू किया जाए, और आरक्षण में जो बैकलॉग है, जो कि पिछला जो रिक्त है आरक्षण के आधार पर उस रिक्त पदों को भरा जाए, इस मांग को लेकर पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल पूर्णिया राष्ट्रीय जनता दल के युवा विंग, छात्र विंग, जिला कमेटी, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता वरिष्ठ नेतागण इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू से ही जो जन जन के नेता हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, बीपी मंडल जी थे जो मंडल कमीशन की जो शुरुआत हुई थी, उस समय में भी लालू जी बीपी मंडल का साथ दे करके जो मंडल कमीशन को जो लागू करवाने का काम किया, इसके लिए पूरे बिहार की पिछड़ी एवं अति पीछे के जो समुदाय के लोग हैं, आज भी लालू प्रसाद जी को जन जन के नेता इसीलिए माने जाते हैं कि उन्होंने पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए जो काम किया है, ये सदा बिहार की जनता और आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी। इस मांग को लेकर के जातीय जनगणना, आरक्षण में बैकलॉग और मंडल कमीशन का जो अनुशंसा है, इसको लेकर के लालू जी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने इस कमान को संभाला। जब राष्ट्रीय जनता दल प्रायः इस मांग को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने का काम किया है और बार बार सदन में भी आवाज उठाने का काम नेता प्रतिपक्ष ने किया, अब जब ये आवाज बार बार जब मुखर होने लगी, आवाज बुलंद होने लगी, तो आज जो ये परिस्थिति के मुख्यमंत्री, जो अनुकंपा के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी भी, जब इनको लगा कि अगर मंडल कमीशन ये तीनों मांग अगर हम लोग इसमें साथ नहीं देते हैं तो आगे उनको अपने सत्ता पर खतरा नजर आने लगा। इसको देखते हुए जैसा कि विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने भी जाति गणना का मामला उठाया था, अब इसको लेकर के लाचार होकर के नीतीश कुमार भी साथ देने के लिए मजबूर हो गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां नीतीश जी उसके सहयोगी हैं और भाजपा कभी भी नहीं चाहती है कि मंडल कमीशन का अनुशंसा लागू कराया जाए या जातीय जनगणना कराया जाए। इसको लेकर के जैसा कि आपने देखा कि बिहार विधानसभा का जो सत्र चल रहा था, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी और राष्ट्रीय जनता दल के जितने वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी लोगों ने मिल करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे करके ये मांग किया गया, इस तीनों मांग को माना जाए। इसके लिए हम लोग सभी जिला मुख्यालय में इसका धरना का कार्यक्रम, प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं और ये पूरे जोर शोर से चलेगा, और जब तक ये तीनों मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष का काम करेगा।